यहाँ सुबह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि हादसा बैठन स्टेडियम के पास का है, जहाँ तेज गति से आ रही जायलो कार ने सुबह 2 बजे पुलिस PCR वाहन को टक्कर मारते हुए चाचा नेहरू पार्क के सामने नगर निगम के द्वारा लगाए हुए बड़े व छोटे साइन बोर्ड के परखच्चे उड़ा दिए। टक्कर इतनी भयानक थी कि जायलो वाहन के टायर निकलकर वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त चालक अरविंद कुमार ब्यार ने बताया कि जायलो वाहन मालिक पप्पू का है, जो बिना सोनभद्रा के निवासी हैं। वह वाहन में भाजपा का झंडा लगा है, जो कि आज रात लगभग 2 बजे तेलदाह से बिना की ओर बरास से लौट रहे थे। जायलो वाहन के टक्कर से नगर निगम एवं पुलिस विभाग के वाहन व संपत्ति की काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठने लगे हैं कि मध्य प्रदेश बॉर्डर सील है, फिर भी वाहनों की आवाजाही कैसे हो रही है? क्या शासन के आदेश पर पुलिस उल्लंघन कर रही है, या फिर शासन सत्ता के कारण वाहनों को छूट दी गई? सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।